फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 3 का हमारा लास्ट भी टॉपिक है, जो कि है डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो मीनिंग का डिफरेंस होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ सच एसेट्स इन द कंपनी ऑपरेशन फॉर विच इट हैज़ टू पे फिक्स कॉस्ट इज नोन एज ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज में वो सारे एसेट्स को यूज़ किया जाता है जिसपे कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट पे करना ही होता है, चाहे वो जितने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करे। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है यूज़ ऑफ डेब्ट इन अ कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर विच इट हैज़ टू पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है कंपनी वो सारे डेब्ट का यूज़ करती है जिसपे कि कंपनी को डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट देना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है मेजर। अब हम लोग इसको मेजर कैसे करते हैं? इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ये किस पे होता है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि इसमें कंपनी को उसी चीज़ को लेती है जिस पे कि उसको फिक्स्ड कॉस्ट पे करना होता है। इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इस पे कंपनी वो चीज़ें लेती है जिस पे वो इंटरेस्ट और डिविडेंड देती है, तो ये इंटरेस्ट पे इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपर रिलेट्स सेल्स और EBIT, EBIT और EPS अर्निंग पर शेयर। असर्टेन बाय कंपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये किससे असर्टेन होता है? कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर से। और जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से असर्टेन होता है। प्रिफरेबल लो, ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है उसको ज़्यादा प्रीफर नहीं दिया जाता है, ये बहुत ही कम लोग प्रीफर करते हैं। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज है, इसका जो प्रेफरेंस है वो बहुत ही हाई है, व्हेन ओनली रेसेस हायर। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, जब आपका ROC हायर होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखिए, रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। इट गिव रिस्क टू बिजनेस रिस्क, ये क्या देता है? रिस्क किसको देता है? बिजनेस को रिस्क देता है। लेकिन जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है वो फाइनेंशियल रिस्क को रिस्क देता है। ठीक है, इट गिव राइज टू फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल लिवरेज की वजह से फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा अर्न होता है और ऑपरेटिंग लिवरेज के वजह से बिजनेस रिस्क ज़्यादा अर्न होता है। फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और इसको कैलकुलेट करने का, फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करने का है EBIT अपॉन EBT। होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करना हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।